वेलकम टू अमन द फूडी। आज रिलायंस ट्रेंड आए हुए थे और रिलायंस ट्रेंड के दौरान एक शख्स मिले जो कि कुछ हुनर भी सीख रहे हैं और साथ में साथ यहाँ जॉब भी करते हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, और इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और ये हुनर क्या है, ये एक आर्ट सीख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, हारमोनियम, ये सब। तो इनसे मिल के मुझे ये एक अंदर से ऐसा लगा कि कितना मेहनती हैं। 12 बजे इनका दुकान खुलता है, उससे पहले ये कुछ आर्ट सीखते हैं, उसके बाद अपना रोज़मर्रा के लिए यहाँ पे जॉब भी करते हैं। इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सर। अमित कुमार जी, तो अब बताइए कि क्या क्या आप करते हैं? हारमोनियम का भी कोर्स कर रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ से करते हैं? पकड़ी चौक पे वेद प्रकाश सर के पास करते हैं। पकड़ी चौक वेद प्रकाश, तो वहाँ पर कितने बजे से कितने बजे जाते हैं? 10 बजे से 11 बजे तक जाते हैं सर। 12 बजे से मेरा ड्यूटी है, सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी है। 10 बजे स्टोर खुलता है, तो 10 बजे फर्स्ट वाले आते हैं, सेकंड वाले हम 12 बजे आते हैं सर। और फिर यहाँ पे कितने बजे तक रहते हैं? 9 बजे तक सर। 9 बजे तक रहते हैं? हाँ सर। तो इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं? फिर खाना पीना कैसे होता है घर में? मेहनत कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ा है सर। बहुत सही बात है, यही वजह था कि मैंने आपका ये वीडियो बनाया है कि कुछ आपके अंदर मुझे ऐसा लगा कि कुछ जज्बा है, कुछ बिजली है, कुछ पाना पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तो फिर खाना पीना किस तरीके से होता है? खाना सुबह उठकर 5 बजे बना लेते हैं सर। 9 बजे तक? हाँ, 9 बजे तक नहा खाकर चल जाते हैं। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है। अच्छा, वो लोग यहीं आराम में रहते हैं? नहीं, आराम में नहीं रहते, गांव पे रहते हैं सर। गांव पे रहते हैं सर। तो सब कुछ रहने उने का इन लोगों ने व्यवस्था किया या खुद का व्यवस्था है? खुद का व्यवस्था है सर। खुद का व्यवस्था है। तो फिर अभी जाएंगे खाना बनाएंगे? हाँ सर, अभी खाना बनाएंगे सर। तो रात के लगभग 9 बजने वाले हैं गाइस, और अभी ये जाकर खाना बनाएंगे और बनाकर खाएंगे। क्या बनाते हैं जनरली? शाम को रोटी सब्जी बनाते हैं और सुबह में चावल दाल सब्जी। तो हारमोनियम और म्यूज़िक सीखने का जो इसके पीछे क्या है, क्या क्यों इसके पीछे इंटरेस्ट कैसे आया आपको? इंटरेस्ट सर, बचपन से मेरा इंटरेस्ट था सर। अच्छा, हारमोनियम सीख कर कोई मतलब समाज के अंदर समाज को कुछ अच्छा अच्छा तो कहीं इसका यूज़ करते हैं कमाने के लिए या अभी बस शौक के लिए सीख रहे हैं? शौक के लिए सीख रहे हैं सर। सिर्फ शौक के लिए सीख रहे हैं। तो इसमें इस फील्ड में जाने का इरादा है कि कोई आपको बुलाए किसी शो में या? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आरा के लोगों को? आरा के लोगों को यही बता सकते हैं कि मेहनत आप कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगा। बहुत सही बात है। और ये हारमोनियम सीख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर कोई शो करते हैं या कुछ है ऑडिटोरियम, कुछ म्यूज़िक शो या किसी भी गांव में या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या शहर में इनका नाम जान जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सर। अमित कुमार जी हैं, इनको प्लीज़ इनको कॉल कीजिए और इनको अपने शामिल कीजिए अपने बैंड में, अपने पार्टी में, ताकि ये अपना जो हारमोनियम का हुनर आप लोगों के साथ बांट सके। ये सीख रहे हैं और अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए मैं इनका वीडियो बना के इनको मदद करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इनको अमित कुमार जी जैसे लोगों को बहुत मदद मिले। और मैं अमन द फूडी खाने का वीडियो तो बनाते ही रहता हूँ, साथ ही साथ आरा में मैं अक्सर चाहता हूँ कि आरा के हर एक प्रति हर एक व्यक्ति का जो उद्धार हो और वो आगे बढ़े, ये जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़े। ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको कोई ना कोई काम प्लीज़ ऐसा दीजिए जिन्हें वो कर रहे हैं, जो शौक के लिए कर रहे हैं, वो रोज़मर्रा में बदल जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप हारमोनियम जैसे बैंड वैंड होता है, म्यूज़िक सिस्टम सब होता है, जो जो आजकल होता है शोज वोज, उसमें काम करना चाहेंगे? यस सर। अच्छा, हारमोनियम बजा लेंगे उसमें आप? हाँ सर। देखिए, इनका इंटरेस्ट है, इच्छा है, प्लीज़ इनको अगर कोई भी इंसान जिसको पता है, कोई लीड है, कोई जानकारी है कैसे उसमें काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप अपना नंबर और बता दीजिए, कुछ बोल दीजिए। मेरा नंबर है 7970475928 सर। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा और इनका नाम डिस्क्रिप्शन में, इनका एड्रेस डाल दूंगा। जो लोग भी इनसे संपर्क करें, प्लीज़ संपर्क कीजिए, इनसे बात कीजिए। मेरा काम यहाँ तक था, मैंने आप लोगों को बता दिया अमित कुमार जी के बारे में। थैंक यू, आप जाइए प्लीज़ काम कीजिए। और गाइज, ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अमन द फूडी चाहता है कि आप ऐसे लोगों को पूरा सपोर्ट कीजिए। आज मैं अभी रिलायंस ट्रेंड आया हुआ था पकड़ी चौक पे, तो इनसे मुलाकात हुई, सोचा इनके बारे में बात कर रहा था, इनसे सोचा कि आप लोगों से साझा किया जाए इनके बारे में। इसी के साथ ये चैनल आप लोगों को हर एक बिंदु पे पहुंचाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा गाइस। अमन द फूडी को प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।